हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टारगेट बीएल नॉरसेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें यूरिन में एचजीजी का डिटेक्शन कैसे करेंगे, यानी यूरिन में एचजीजी डिटेक्शन से यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होगी तो उसमें पॉजिटिव आएगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो उसमें टेस्ट में नेगेटिव आएगा। यानी यूरिन में अगर हमको यूरिन से एचजीजी डिटेक्शन करना है तो उसको फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद 7 डे के बाद हम इस 9 डे के बाद देख सकते हैं, और 7 डे के बाद हम ब्लड में देख सकते हैं। और यह अपन यह पर हम यूरिन में देखेंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन के 7 डे बाद में देखेंगे। इसमें यूरिन सैंपल के रूप में एक यूरिन लेंगे, इसमें ये कंटेनिंग एचजीजी एंटीजन है, यानी इसमें एचजीजी है, लेकिन हमको उस टाइम हमको पता नहीं होता है कि एचजीजी है या नहीं है। इसके लिए हम एचजीजी एंटी एंटीसीरा यानी एंटीबॉडी के रूप में लेंगे। इसमें फर्स्ट में अपन लेंगे यूरिन लेंगे, इसके बाद एचजीजी के एंटीसीरा लेंगे। एंटीसीरा में एंटीबॉडी होती है और दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया तो उसमें रिएक्शन देखने को मिलती है कि नहीं मिलती, ये हम देखेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, एंटीबॉडी एंटी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, इसमें हमको नॉन विजिबल रिएक्शन, इसमें हमको रिएक्शन विजिबल नहीं होगी। फिर नहीं दिखी, दोबारा हम करेंगे उसमें लेटेक्स कोटेड एचसीजी एंटीजन डालेंगे, इसमें लेटेक्स कोटेड एचसीजी एंटीजन डालेंगे, फिर दोबारा हम देखेंगे कि रिएक्शन हुई है नहीं हुए। इसके बाद वापस देखेंगे तो इसमें नॉन विजिबल रिएक्शन यानी एग्लूटिनेशन है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिले, यानी इसका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी यह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एग्लूटिनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो रिएक्शन हुई उसमें एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया। तो इसकी वजह से एंटीबॉडी अगर फ्री होती तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फ्री होती तो यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती, लेकिन यहाँ फर्स्ट वाली रिएक्शन में ही ये बाइंड हो गई तो फ्री नहीं देखने को मिली, जिससे टेस्ट नॉन विजिबल रिएक्शन देखने को मिली, यह टेस्ट पॉजिटिव है। और दूसरा हम देखेंगे इसमें यूरिन में एचजीजी नहीं है, यानी यूरिन में ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन नहीं है, लेकिन उस टाइम हमको पता नहीं है या नहीं है। तो यूरिन लेंगे, इस सैंपल के रूप में यूरिन लेंगे, इसके बाद एचजीजी एंटीबॉडी लेंगे, दोनों मिक्स करेंगे तो इसमें नो एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देखने को मिली। और दोबारा लेटेक्स कोटेड एंटीजन मिक्स करेंगे और रिएक्शन देखेंगे तो इसमें विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ऐसे इसमें रिएक्शन हो गई। क्यों हो गई? क्यों होगी? यहाँ पर एंटीजन फ्री थी, क्योंकि पहले वाले रिएक्शन में एंटीजन एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई, जिसकी वजह से एंटीबॉडी फ्री ही रही। तो यहाँ पे जैसे ही अपने एंटीजन के रूप में लेटेक्स कोटेड एंटीजन डाला तो यह रिएक्शन हमको देखने को मिल गई, जिसकी वजह से एंटीजन इसमें नहीं था। पहले वाले में यूरिन में एंटीजन नहीं था, एंटीजन नहीं था यानी एचजीजी नहीं था, जिसकी वजह से नहीं था। हमने डाला लेटेक्स कोटेड एंटीजन तब हमको रिएक्शन देखने को मिला, यानी टेस्ट नेगेटिव है। तो और प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के दो हफ्ते बाद यूरिन में देखने को नहीं मिलता है, डिसअपियर हो जाता है एचजीजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।